सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग बहुत मस्त हैं। सो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे। और बाकी कल तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी जब हमने लूटे वगैरह डाल दिए थे, और आज मैंने वेदर चेक किया तो उसमें धूप और बादल दिखा रहे हैं। तो काटना है घास और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यार फिर घास भी कंप्लीट करनी हमने, क्योंकि फिर शादी की तैयारी वगैरह भी सब कुछ है हमारे पास। अभी शॉपिंग वगैरह, बाकी घर का पेंट मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं पेंडिंग जो हमने कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फटाफट से काटनी है घास। और आई होप कि आज बारिश नहीं आए, कल तो बारिश आ गई थी, लेकिन हमने लूटा वगैरह डाल दिया था तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बारिश से मतलब। और तो बाकी मम्मी तो चली गई है खेत में और मैं भी जा रही हूँ, और फ़ोन में मेरा थोड़ा कम चार्ज है इसलिए मैं फ़ोन चार्ज लगा के जा रही हूँ। दीदी आएगी तो फ़ोन लेके आएगी मेरा, तो फिर तब तक मैं जाती हूँ। तो मिलती हूँ आपको सीधे खेत में। तो जैसे कि निम्मी ने ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ली है और उसने बता दिया होगा कि आज हमने घास काटनी है और आज भी हमारी दुकान बंद है, तो मैंने नाश्ता वगैरह सारा रेडी कर दिया है। अब मैं उसे रखती हूँ एक झोले में और लेके जाती हूँ मम्मी के लिए और निम्मी के लिए, और मैं भी वहीं साथ में नाश्ता करूँगी क्योंकि अकेले नाश्ता करने का मन नहीं करता। तो रोटी सब्जी मैंने बना ली है तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चाय मेरी बन चुकी है, चाय मैं डालती हूँ थर्मस पे, और मेरी चाय पूरी तरीके से खोल चुकी है। और तो टिफिन में मैंने सब्जी डाल दी है, ये मैंने बनाई है आलू थेचू, और इसमें मैंने रख दिया है रोटी और साथ में है मिश्री और मिर्च का अचार। तो लेके जाती हूँ। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ खेत जाने के लिए, और मैंने रख दिया है नाश्ता इस पन्नी में, और क्या कहते हैं उसके बाद चलती हूँ मम्मी लोगों को नाश्ता कराती हूँ। मैं भी थोड़ी देर घास काटूँगी और फिर मेरे को जाना है गोला। तो मैं पहुँच गई हूँ खेत के पास, और अभी हमें काटने हैं कम से कम 3 से 4 लूटे और होंगे हमारे यहाँ पे घास काटना। मम्मी यहाँ पे काट रही है। ना हाय निम्मी, तो निम्मी हमारी पहले आके घास काट रही थी यहाँ पे, और मैं इसके लिए नाश्ता लेके आ गई हूँ। तो आज दीदी लेके आई है आलू का थिचवा, रोटी और मिर्च का अचार। हो जाए हूँ, देखो है मेरा ब्लॉगिंग देखो तुम यार, मेरा ब्लॉगिंग देखो हाँ देखा पे यहाँ पे खा रहे हैं खेत में खाना, और बहुत मस्त आ रहा है, आनंद आ रहा है बिल्कुल। खेत में खाने का मजा ही कुछ और होता है यार, और वो भी सबके साथ। हाँ मैं पहाड़ी देखो, और पहाड़ी इस तरीके से सब आपस में, हाँ है ना, लगू ना पेट भरी और भल लगू जो आनंद भटन बे मोहनताओं को नाची सबको दिखाया लो तुम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताओ तुमको भी हम मिस कर रहे हैं, तुम लोग अगली बार आना असोज में, हम भी याद कर रहे हैं मोहनताओं को, हम सब याद कर रहे हैं भले। और जल्दी जल्दी घर आया थी हम असोज से मिले, इसको रोड खिलाता हूँ। हरिओम महान, हाँ हरिओम ताऊ जी हरिओम। देखो तुम्हारा वो हरिओम शब्द इनको याद है तो हरिओम बोल रहे हैं ये। देखो मिश्री कटक है, क्या आनंद देते हुए। तो गाइस नाश्ता करने के बाद हम लोग काट रहे हैं घास, और देखो पसीना भी बहुत ज्यादा हो चुका है, और दीदी ने अपना हाथ काट दिया, मैं दिखाती हूँ आपको कितना ज्यादा काट दिया। तो इसने देखो इतना हाथ काट दिया अपने, बाप रे बांध उसको। तो मैं इसमें लगा रही हूँ पहाड़ी दवाई चटकुरी, इसको मल के और इसका वो निकालती हूँ मैं रस, और इस फिर लगाती हूँ इसमें, इसको थोड़ा साफ तो कर दबा के रखना उसको। रखा है वो निकल गया। अभी हो चुका है टाइम 11:29, और दीदी चली गई है घर को। तो दीदी चली गई है मतलब गोला को, आज हमारी बारी है, कल ताई लोग की बारी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ नौला पानी भरने, और अपना पहाड़ी नौला भी दिखाते हैं जो शुद्ध स्रोतों का पानी जहाँ निकलता है। यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं लगती है पानी खरीदने के लिए, जैसे हम हल्द्वानी से बाहर चले जाते हैं दिल्ली वगैरह कहीं भी तो वहाँ पानी खरीद के पीना पड़ता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए अपना पहाड़ स्वर्ग है। तो बराबर से जाती हूँ मैं पानी भरने। तो यहाँ पे नीचे है नौला हमारा,
मतलब ये खेतों के साइड में है, यहाँ कमी लोग आते पानी भरने, जब भी असोज का टाइम वाइम होता है तभी यहाँ पानी भरते हैं। और देख सकते हैं इसके अंदर हो रहा मस्त नेचुरल पानी, तो नाला का पानी एकदम चिल्ड हो रहा है, बहुत मस्त ऐसा लग रहा है। इसे फ्रिज से निकाल रखी है बोतल, बहुत ठंडा हो रहा है। तो पानी आने पीने के बाद फिर से घास काटनी है, उसके बाद अभी धूप भी निकल चुकी है और थोड़ी देर में फिर काटी हुई घास को बांधना पड़ेगा, फिर कल की तरह लोटा लगाना पड़ेगा। ऊपर से थोड़ा बहुत काट दिया, अभी एक और ओए खेत बचा हुआ है, लेकिन बाकी सब ही नीचे को लेके और यहाँ से लेके सब नीचे गधेरे तक है। धूप इतनी तेज लग रही है, बता नहीं सकता हूँ। पानी तो झल में इतनी तो झल देखिए तती का घाल छोपरो मीन हाँ, थोड़ी ठंडी हवा चल रही तो अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मतलब ऊपर से स्टार्ट किया था आज हमने, और वो उधर से लेके यहाँ तक पूरा काट चुके हैं हम अभी, और अभी बच चुके हैं पूरे दो बज चुके हैं, और नाश्ता हमने सुबह ही किया था। बाकी दीदी जब गौर से आएगी 3 बजे तो वही लेके आएगी मैगी वगैरह। बाकी गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप भी बहुत तेज़ लग गई है, पसीना देख सकते हैं। और अब धूप भी अच्छी खासी आई थी तो घास भी सूख चुकी है, अब बांधते हैं घास, उसके बाद लगाते हैं लोटा। पानी भी ख़त्म हो गया, फिर से भर के लाना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी घास हमने इकट्ठा कर ली है एक लोटे के लिए, अभी मम्मी थोड़ा बहुत बांध रही है और मैं बांध भी रही हूँ और यहाँ इकट्ठा भी कर रही हूँ, बाकी नीचे को बांधनी है अभी। तो गाइस हालत देख सकते हैं मेरी, काफ़ी डेंजरस हो चुकी है। बाकी एक लूटा मैंने अपना डाल दिया है ऊपर, और एक लूटा डाला मैंने रितु भाभी का, और एक कोई ऊपर ताई जी थी उनका, लेकिन मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप लेके आई है दीदी अभी मैगी, 4:30 बजने वाले हैं, लेके हम चाय पीनी मैगी वैगी खा रहे हैं। यहाँ पर ये लेके आई है मैगी दीदी कॉलेज आके, और रितु भाभी की सास यानी कि हमारे ताई ने भेजा है भात। तो ये है भाभी जी, ये भी हमारे ब्लॉग देखती है, हमारे गांव की है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4:30 और ताई जी लेके आ गई हमारे लिए गर्मा गर्म चाय, थर्मस दिखाओ अपना चाय का थर्मस लेके आ गए। और ताई कितनी बांध लग रही है हमारा देख सकते हो गाइस, खूब बांध लग रही है और यहाँ ये पानी पी रही है। तो गाइस फाइनली कल सुबह हमारा घास पूरा कट जाएगा नीचे तक, और अभी हम लोगों ने इतना घास काट दिया है, देखो ऊपर से तो काट दिया था पूरा, देखो इतने नीचे तक आ चुके हैं हम। है इतनी मस्त वाली फीलिंग आ रही ना, अभी लग रहा है एक जंग जीत ली है, और हाथों की तो बिल्कुल कोई नाखून कहीं को कटा है, कोई नाखून कहीं को कटा है, कोई पूरा ही कट गया है और हाथ तो पूरे कट चुके हैं। बाकी दीदी जी का भी हाथ कटा था, कैसा लगा? मजा आया हाथ काटने में? दर्द हो रही यार उसमें, मतलब कितने टाइम में एक खून का बहुत बढ़ता है और उसने सब बाहर, मेरा हाथ से ज़्यादा खून मेरे घास में लगता हुआ था, और हम लोग देखो कितने काले मसाण हो गए ना, कौली मोली हो गए हम तो। चल दो घास का पुला लेके चल। तो खेत से घर आने के बाद मैंने बनाए करेले का भरवा, तो मैंने यहाँ करेले भर लिए हैं, अब मैं इनको तेल में तल लेती हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो मेरे भरवा करेले तल के रेडी हो चुके हैं और खाते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।